एक घटना घटा है, जब हम लोग सनसेट पॉइंट देख के वापस आ रहे थे तो गाड़ी का स्पीड ज़्यादा नहीं था मेरा, 30 से 40 के बीच होगा। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का हालत कैसा है। अभी हम लोग आ गए चैलेट हाउस पर, देखते हैं एंट्री करने देता है कि नहीं। बंद है मिनी गेट। तो ये है चैलेट हाउस, इसी के अंदर आदिवासी कल्चर का जितना सामान है सब कुछ रखा हुआ है। अभी कोरोना की वजह से बंद है, तो आप लोग अगर बाद में आते हैं, अगर खुला रहता है तो आप लोग ज़रूर अंदर विजिट कीजिएगा। टिकट शायद लगता है 10-20 रुपया का, और अंदर ज़रूर जाइएगा। सामने थोड़ा गार्डन है और ये आदिवासी का 2-3 स्टैचू है, इधर 2 है उधर भी 2 है। इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि पूरा सुंदर सा फूल का, हर तरह का फूल का रोज है, रोज का बहुत सारा कलर है। अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि COVID-19 के वजह से सब बंद है। ये होटल से बस 500 मीटर दूरी पे है हम लोगों का। ये चैलेट हाउस देखने में बाहर से बहुत ही सुंदर है, लेकिन अंदर अगर जा सकते हैं तो अच्छा होता। अभी जाने का इजाजत नहीं है, COVID-19 चल रहा है। कब खत्म होगा ये कोरोना? कोरोना ने सबका जिंदगी हैरान करके रख दिया। जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि रॉक गार्डन बंद था, कांके डैम बंद था, तो सब कुछ अगर बंद रहेगा तो बस, ओ माय गॉड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बांग्ला में मोचा बोलते हैं, और वो मेरे को बहुत फेवरेट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हिंदी या झारखंड से अगर कोई वीडियो देख रहे तो क्या बोलते हैं इसको। कितना बड़ा सा साइज का है, और केला भी देखिए, केला भी छोटा छोटा है, सब कच्चा है। चलो चलो इधर इधर से, ये बैक साइड है शेलेट हाउस का। अरे जल्दी आओ यार, ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में, वीडियो पॉज करके थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। और ये मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये बैठने का सीट है। अच्छा जगह है, आप लोग आके इधर थोड़ा टाइम बिता सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कौन सा साइट सीन जाना है, क्योंकि यहाँ सामने ही बहुत सारा साइट सीन है और नेतरहाट स्कूल भी जाएंगे। तो चलिए फिर से चलते चलते बात करते हैं। नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल सीधा मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट इधर, ये रहा नेतरहाट स्कूल, हम लोग भी जाएंगे। देखते हैं अंदर परमिशन देता है कि नहीं। अंदर जा सकते दादा? नहीं नहीं, गाड़ी लेके नहीं, गाड़ी रख के। अच्छा अच्छा, फोटो ले सकते ना यहीं से? हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है ठीक है। ये भी बंद है, अंदर नहीं जा सकते लेकिन बाहर से फोटो ले सकते हैं आप। कोरोना के वजह से सब कुछ खराब है, सब कुछ। कब जाएगा ये कोरोना? तो ये रहा नेतरहाट का स्कूल, अंदर नहीं जा सकते, COVID-19 के वजह से सब बंद है। तो हमको यहीं से जाना पड़ रहा है, लौटना पड़ रहा है एक्चुअली। अभी हम लोग जाएंगे नाशपाती बागान। चलिए नाशपाती बागान चलते हैं, और चलते चलते बात तो हो ही रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं नाशपाती बागान, बहुत घूम के आना पड़ा, रास्ता बहुत ही खराब है, रास्ते के बीच में कटा हुआ है, काम चल रहा है शायद, इसलिए पूरा खेतों के बीच से गाड़ी चला के लाना पड़ा। यही है नाशपाती बागान, चारों तरफ है, लेकिन अभी सब सूखा है क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है। बरसात का मौसम में शायद नाशपाती मिल सकता है। नाशपाती मिलेगा? पूछ लेते हैं, पत्ता सब सूखा पड़ा है। तो यही है नाशपाती बागान, बरसात के मौसम में अगर आप आते हैं तो नाशपाती आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी ठंडे का मौसम है, सारा सब सूखा पत्ता नीचे गिरा हुआ है, अभी एक भी नाशपाती आपको मिलेगा नहीं, यही बात है। चलो ठीक है, कम से कम नाशपाती बागान तो देख लिए। बहुत बड़ा ये गार्डन एरिया है, दूर दूर तक है, हम लोग ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं, आप लोग अगर चाहें तो जा सकते हैं। हाँ बरसात के मौसम में आइए तो आपको नाशपाती मिल जाएगा, घर ले जा सकते हैं, हाँ घर ले जा सकते हैं, खा भी सकते हैं इधर, लेकिन अभी नाशपाती नहीं है, बहुत सारा पौधा है नाशपाती का। अभी गाड़ी को यू टर्न लेते हैं और थोड़ा अच्छा खासा व्यू दिखा देते हैं आपको, बरसात के मौसम में ही अच्छा लगता है ये। इधर आगे भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये एरिया पूरा नाशपाती बागान है। कम से कम 1-2 किलोमीटर लंबा बागान होगा ये। कोशिश कीजिएगा अगर नेतरहाट आ रहे हैं तो बरसात के मौसम में आइए, तो अच्छा व्यू मिल जाएगा और नाशपाति बागान का भी व्यू अच्छा मिल जाएगा। अभी हम लोग चल रहे हैं नेतरहाट डैम। तो ये रहा नेतरहाट डैम, ये सब एकदम लोकल का साइट सीन है, आप लोग जिस दिन नेतरहाट आइएगा उसी दिन ये सब कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा वाटर लिली है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे कोयल व्यू पॉइंट। हम लोगों का साइट सीन कवर हो गया, चैलेट हाउस, नेतरहाट स्कूल, नाशपाती बागान और नेतरहाट डैम। इसके बाद हम लोगों को जाना है कोयल व्यू पॉइंट, तो चलिए कोयल व्यू पॉइंट चलते हैं। ये डैम का बगल से जो रास्ता गया है, यही रास्ते से हम लोग कोयल व्यू पॉइंट चलते हैं, शायद यही रास्ता पहुंचा देगा हम लोगों को कोयल व्यू पॉइंट। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए नेतरहाट कोयल व्यू पॉइंट। यहाँ से कोयल नदी का जो गतिपथ है वो आपको पूरा दिखाई देगा, कोशिश करेंगे अच्छा व्यू दिखाने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए कोयल व्यू पॉइंट।
कोयल व्यू पॉइंट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको कोयल नदी का गतिपथ दिखता है। बरसात में पानी थोड़ा ज़्यादा रहता है तो इसलिए गतिपथ देखने में आसानी होता है। अभी थोड़ा नदी सूखा सूखा सा है इसलिए उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा दिखाई दे सके। तो चलिए 360 व्यू एक देख लेते हैं कोयल व्यू पॉइंट का। तो अभी इधर हम लोग सब फोटो वोटो ले लिए हैं, वीडियो शूट हो गया है, तो अभी हम लोग निकलेंगे, अभी लंच करेंगे। लंच करने के बाद सनसेट पॉइंट। इधर आप लोग अपर घघरी फॉल्स है, नज़दीक है 2 किलोमीटर, लोअर घघरी फॉल्स 8 किलोमीटर। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी लंच करेंगे, लंच करके सनसेट पॉइंट। और ये है नेतरहाट मार्केट, यहाँ पर आपको खाना अवेलेबल मिल जाएगा। हम लोग अभी लिए हैं खाने में चावल, दाल है, सब्जी है, मिर्चा है, प्याज है, और उसके साथ पापड़ भी है और अचार भी दे रहा है। पापड़ फ्राई नहीं है, पापड़ एक्चुअली बेक्ड है, बहुत अच्छा लगता है, सिका हुआ पापड़ है। अभी हम लोग लंच करते हैं, लंच करने के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे सनसेट। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाने का खर्चा हुआ 120 रुपया। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे सनसेट पॉइंट के लिए, तो चलिए अब चलते हैं सनसेट पॉइंट। अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट, और ये सनसेट पॉइंट जाने का रास्ता है, यही रास्ता जाता है अपर घघरी। अगर आप अपर घघरी फॉल्स जाना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं अभी सनसेट पॉइंट। पहाड़, घना जंगल, मैं, मेरा राजा और मेरा पीछा ना छोड़ने वाली पिलियन, बस और क्या चाहिए। मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट स्ट्रेट, पूरा रिमोट लोकेशन है, नो जीपीएस, नो मोबाइल नेटवर्क, नथिंग। और मोबाइल नेटवर्क अगर मिलता है तो जियो का मिलेगा बस। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट। ये सनसेट पॉइंट मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं, 360 व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। ये रहा बोर्ड, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट नेतरहाट, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और यहां पे 2 टावर बना हुआ है सनसेट देखने के लिए है, एक है वो ऊँचा सा लंबा वाला टावर और एक इधर भी है सनसेट देखने के लिए। तो आप लोग जल्दी आ जाइएगा ताकि टावर में आप चढ़ सके और सनसेट का पूरा व्यू ले सके, और यहीं से सूरज ढलेगा और सनसेट का व्यू मिलेगा। बहुत ही अच्छा जगह है, नेतरहाट मार्केट से पक्का 8 किलोमीटर आना है आपको, इधर एकदम डॉट 8 किलोमीटर, 15 मिनट लगेगा। और रास्ता भी अच्छा है, जंगल का रास्ता भी है बीच में। अभी हम लोग सनसेट देखेंगे, पहले थोड़ा 360 व्यू देख लेते हैं, चलिए। सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, ये भी एक व्यू पॉइंट है। ज़्यादातर वीडियो में ये पेड़ को दिखाया गया है, तो ये पेड़ में पत्ता तो है नहीं लेकिन इसको काटा भी नहीं गया, तो ये एक व्यू पॉइंट। और एक व्यू पॉइंट मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, वो रहा और एक व्यू पॉइंट, चलिए ये रहा दूसरा व्यू पॉइंट। यहाँ पर भी बैठ के आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ से मेरे ख्याल से लगता है अच्छा दिखेगा। सूरज अगर थोड़ा इधर आता है तो अच्छा दिखेगा, और अगर वो पेड़ के पीछे से सनसेट होता है तो यहाँ से व्यू अच्छा नहीं मिलेगा, तो तब वहीं से मिलेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा व्यू आप लोगों के लिए अच्छा लगे, आप वहीं से सनसेट देखिएगा। अब चलते हैं नीचे, बच्चे के लिए एक प्लेग्राउंड भी है छोटा सा, ये देखिए पेड़ पे कितना सुंदर एक बक्सा किया हुआ है। ये हर एक पेड़ में है, यहाँ पे सिर्फ नहीं, उस तरफ देखो सभी पेड़ में, उस तरफ ग्रीन रेड। अच्छा अच्छा, तो चलिए अभी आप लोग भी सनसेट का मज़ा लीजिए, देखते रहिए एसके एंड ट्रैवल मैनिया, आज सनसेट और अगले वीडियो में सनराइज़। तो चलिए अभी एक साथ सनसेट एंजॉय करते हैं।
सूरज ढल गया है, सनसेट बहुत ही एंजॉय किए। और नेतरहाट आप अगर आ रहे हैं तो सनसेट पॉइंट ज़रूर आइएगा, 8 किलोमीटर दूरी पे है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, सनसेट पॉइंट मस्ट है। बहुत सुंदर लगा, एकदम मन मुग्ध हो गया, इतना सुंदर सनसेट दिखा है। तो अभी होटल चलते हैं, होटल चल के बाकी सारा बात करते हैं, चलिए। तो फाइनली हम लोग होटल पहुँच गए और अभी घड़ी में समय हो रहा है 9 और अभी खाना ऑर्डर दिया है, खाना आने वाला है, खाना खाना है और अभी सो जाना है। एक घटना घटा है, जब हम लोग सनसेट पॉइंट देख के वापस आ रहे थे तो गाड़ी का स्पीड ज़्यादा नहीं था मेरा, 30 से 40 के बीच होगा, लेकिन रास्ते का बीच में एक बड़ा सा पत्थर था और सामने का चक्का पत्थर पे उठ गया, बस गाड़ी डिसबैलेंस होके कम से कम 4-5 फीट आगे जाके गाड़ी गिरा है। और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, गाड़ी में ही ज़्यादा चोट आया है हम लोग को, हम लोग दो जनी एकदम सेफ है। मेरे पिलियन पार्टनर को थोड़ा सा लगी है, प्रिया को शोल्डर में और मेरे को भी शोल्डर में थोड़ा सा लगा है, तो अब थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है, लेकिन दवाई है, वो दर्द का दवाई से ही काम हो जाएगा, मलहम भी है, लगवा लेंगे। लेकिन गाड़ी में चोट ज़्यादा आया है थोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का हालत कैसा है। अभी तो ठीक करवा लिए हैं, होटल का जो बंदा है वही अपना गाड़ी खुद बनाता है, मतलब वो मिस्त्री है अब ऐसे ही कह सकते हैं। तो देखिए गाड़ी का हालत कैसा है, मैं दिखा रहा हूँ अंधेरे में, कितना दिखेगा पता नहीं। ये हेडलाइट गया, हेडलाइट ठीक है, हेडलाइट का जो यह कैप था वो गया, ये चेंज करवाना पड़ेगा। एक्सीलेटर का तार क्या हो गया था, एक्सीलेटर ऐसे पकड़ के रख गया और ये ऐसे नहीं हो रहा था, फिर वो जो भैया था उसी ने ठीक किया, ये इस तरफ आ गया था, इस नीचे का जो सेट है वो बाहर आ गया था, इसलिए ये पूरा टाइट हो गया था। तो अभी फ्री है, अभी नॉर्मल चल रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था, गाड़ी में ज़्यादा चोट है। और दाएं तरफ का जो लुकिंग ग्लास है वो पूरा टूट गया, तो दाएं तरफ का लुकिंग ग्लास भी खोलना पड़ा। कल हम जब रांची के निकलेंगे डल्टनगंज होते हुए, तो यहाँ का जो लोकल बंदा है उन लोगों ने बताया कि डल्टनगंज में आपको लुकिंग ग्लास मिल जाएगा, राइट साइड का लुकिंग ग्लास तो चाहिए ही, तो देखते हैं डल्टनगंज में अगर मिल जाता है तो लुकिंग ग्लास वही बेहतर होगा। और अभी खाना ऑर्डर दिया, भैया खाना आने वाला है ना? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, खाना अभी आने वाला है। और कल हम लोग यहाँ सनराइज़ देखेंगे, सनराइज़ देखने के बाद यहाँ से चेकआउट करके फिर हम लोग साइट सीन के लिए निकलेंगे और बेतला होते हुए फिर रांची पहुँचना है। तो आज का वीडियो में इतना ही, आज और कुछ बोलना नहीं है, कल फिर हम लोग सुबह अच्छे तरीके से सनराइज़ देख के शुरू करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एस्केन ट्रैवल मैनिया, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव फन एंड बी सेफ, प्लीज़ 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 बी सेफ ऑन योर राइड, ये ध्यान रखिएगा। आज हुआ मेरे साथ, पत्थर भी बड़ा था, गलती आप मेरा ही मान सकते हैं, मेरा गाड़ी का स्पीड 30-40 रखना नहीं चाहिए था, उससे भी कम रखना चाहिए था, अब मेरा ही गलती मान सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद एंड वंदे मातरम। तो अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सनराइज हो गया है, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए लोध वाटरफॉल्स पे। ये बेतला पहुंचने पे अभी 14 किलोमीटर बाकी है, लुकिंग ग्लास मिल जाता है तो अभी लगवा लेंगे। राइट साइड का मिरर मिलेगा भैया, मेरे को एक बार दीजिए ना, मैं ट्राई कर लेता हूँ, दीजिए। ये मालभूमि अंचल का जो रास्ता है उससे अभी नीचे नहीं आए हैं अभी तक, अभी भी चराई उतराई है।